ओके फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो क्या है। तो दो चीज़ें हैं, एक है एसेंट ऑफ सैप, सैप क्या है, वाटर और मिनरल्स का मिक्सचर, और दूसरा है ट्रांसलोकेशन। तो पहला शुरू करते हैं एसेंट ऑफ सैप, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है। सैप क्या चीज है, सैप है वाटर और मिनरल्स का मिक्सचर, वाटर एंड मिनरल्स, इसका जो मिक्सचर है वो क्या है, सैप है। देखो दो टाइप के प्लांट्स हैं, एक ऐसे हैं जो हर्ब्स या हर्बेसियस प्लांट्स जिनको कहते हैं, और दूसरे हैं वेरी टॉल प्लांट्स। तो जो इसीलिए दो फोर्सेस आते हैं यहाँ पर कंसिडरेशन में, एक तो हर्बेसियस प्लांट्स जो स्मॉल प्लांट्स हैं, और दूसरे कौन से हैं, वेरी टॉल प्लांट्स। तो हर्बेसियस प्लांट्स जो हैं इनमें तो रूट प्रेशर जो होता है, अभी बात कर रहे हैं इसकी, इस रूट प्रेशर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जबकि जो टॉल प्लांट्स हैं इनमें जो फोर्स है उसका नाम है ट्रांसपीरेशन पुल, उसका नाम है ट्रांसपीरेशन पुल या कोहेसन टेंशन थ्योरी भी इसको कहते हैं। तो होगा कैसे, ये आपको पता ही है, किसके द्वारा होगा, जाइलम टिश्यू के द्वारा होगा। जाइलम की चार टाइप्स की सेल हैं, जाइलम ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। तो दो का यहाँ पर मेन रोल है, कौन कौन सी हैं, वेसल्स एंड ट्रेकिड्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रेकिड्स। अब अगर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये वन मार्क में कहीं आपसे पूछ सकते हैं, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स लगते हैं, तो ये दोनों वहाँ पर मेन पार्ट, मेन रोल अदा करेंगे। लेकिन अगर नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं तो वहाँ पर वेसल्स काम नहीं करती, सारा काम ट्रेकिड्स को ही करना पड़ता है। तो होगा क्या, जो भी कोई प्लांट है, ऊपर का नहीं, हम तो नीचे की बात कर रहे हैं अब सोयल की, ये जैसे रूट है, प्लांट की जो रूट हैं इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, रूट हेयर्स, और सोयल के अंदर ये रूट्स हैं। तो प्लांट्स को वाटर जो भी लेना होता है या मिनरल्स हैं वो कहाँ से लेते हैं, सोयल से। तो इस ये जो सोयल है, इस सोयल के अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट है। तो जैसे ही वाटर आएगा तो क्या होगा, देखो ओस्मोसिस अभी हमने पढ़ा था, ये बाहर जो सोयल है ये, और सोयल के कॉन्टेक्ट में कौन है, रूट हेयर। तो सोयल और रूट हेयर में क्या है, जैसे ही वाटर इसके अंदर होगा, सोयल के अंदर, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण जो रूट हेयर यानी कि जो प्लांट्स की जो सेल्स हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि एनर्जी के कारण, क्योंकि वो एनर्जी खर्च करती हैं, उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंट आयन कंसंट्रेशन सेट हो जाती है। यानी कि आयन्स जो होते हैं, इन आयन्स की इसके अंदर मात्रा कुछ और है और रूट हेयर के अंदर मात्रा कुछ और है। देखो हम ओस्मोसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग आयन की कंसंट्रेशन है, तो सॉल्वेंट को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो इस आयन कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए क्या होता है, सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा कहाँ है बताओ, सोयल के अंदर है, तो सोयल से सॉल्वेंट कहाँ चला जाएगा, रूट हेयर के अंदर चला जाएगा। अब ये जो सेल्स हैं, जैसे ये कोई रूट हेयर है, तो एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी, चौथी, इस तरह से सेल हैं, 1, 2, 3, 4। तो ओस्मोसिस के कारण यानी कि ये जो सॉल्वेंट यहाँ पर ज़्यादा हुआ तो सेल नंबर एक में आ गया। अब सेल नंबर एक में आ गया तो यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया,
अब किस में जाएगा, सेल नंबर दो में। अब दो में ज़्यादा होगा, तीन में कम है तो तीन में, इस तरह से चला जाएगा। अब ये जो रूट हेयर के अंदर जो जाइलम टिश्यू, ये सारा खेल कहाँ हो रहा है, यहाँ पर जाइलम टिश्यू है। तो जाइलम टिश्यू के कारण इन रूट में ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, जिसके कारण ये एक से दूसरी सेल में जाता जा रहा है वाटर, इसी प्रेशर का नाम क्या है, रूट प्रेशर। तो ये रूट प्रेशर है जिसके कारण क्या हो रहा है, जाइलम की एक सेल से दूसरे सेल और इस तरह से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट चल रहा है इसके अंदर। तो देखो, एक तो ये होगा, यहां पर यही बात बताई थी, रूट प्रेशर। जहां पर स्मॉल प्लांट्स हैं वहां पर तो ये बात लागू है कि वे रूट प्रेशर के कारण क्या है, रूट प्रेशर के कारण ये वाटर और मिनरल्स यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जहां प्लांट्स वेरी टाल हो जाते हैं तो वहां पर अकेला रूट प्रेशर ये काम करने में सक्षम नहीं है, वो समर्थ नहीं है कि इस वाटर और मिनरल्स को पूरे प्लांट तक पहुंचा दे। तो वहां पर एक और फोर्स काम करता है जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, इसके बारे में देखते हैं क्या चीज है। पहले तो ट्रांसपिरेशन के बारे में, ट्रांसपिरेशन क्या है, ये जो लीव्स हैं, देखो ये सारा खेल कहाँ हो रहा था, ये तो रूट्स के अंदर चल रहा है अभी तो, या जो स्मॉल प्लांट्स हैं उनके अंदर। अब ट्रांसपिरेशन क्या है, जो टॉल प्लांट्स हैं उनमें जो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर पोर्स पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो उनमें से क्या होता है, वाटर का लॉस होता रहता है, और ये ज़रूरी भी है। मान लिया प्लांट ने वाटर लिया और उसका लॉस हुआ ही नहीं, मान लिया सारा वाटर प्लांट के अंदर ही रह गया, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, जब परमानेंट उसके अंदर ही रह गया तो और वाटर लेने की ज़रूरत क्या है। लेकिन होता ये है कि जो लीव्स हैं या जो एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के, जो हवा में हैं, जो एरियल पार्ट हैं, उनसे क्या होता है, वो वाटर वहाँ से जाता रहता है, लॉस होता रहता है। तो वाटर का वेपर्स के रूप में लॉस होना, चले जाना, क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। ये लीव्स के द्वारा भी हो सकता है, या फिर थोड़ा बहुत रोल इसमें स्किन जो होती है प्लांट की वो, और स्टेम, वो भी आप अपना पार्ट अदा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो 90% वाटर लॉस है वो लीव्स के थ्रू ही होता है, यानी कि स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो हर्बेसियस प्लांट्स में क्या होता है, रूट प्रेशर से काम चल जाता है। लेकिन टॉल प्लांट्स में, अगर टॉल प्लांट्स हैं, इन टॉल प्लांट्स द रूट प्रेशर, रूट प्रेशर क्या था, द प्रेशर विच इज डेवलप्ड इन द रूट्स ऑफ जाइलम टिश्यूज, वो क्या था, रूट प्रेशर। टॉल प्लांट्स में द रूट प्रेशर इज नॉट सफिशियंट, ये अकेला पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है, फॉर ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट के लिए अकेला काफी नहीं है। तो इसके लिए कोई और फोर्स देखना पड़ेगा, और वो क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल। अब ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर लॉस होना वेपर्स की फॉर्म में, वो क्या है, ट्रांसपिरेशन। तो वन मार्क में कई बार डिफाइन करवा लेते हैं आपसे, तो इसको भी मैं लिख रहा हूँ, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, द लॉस ऑफ वाटर किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। अगर वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है तो फिर उस टर्म का अलग नाम है, फिर उसको गटेशन बोलते हैं, GUTTAION, गटेशन। लेकिन यहां पर तो ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में वाटर का लॉस हो जाना, किसके थ्रू, बाई एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। देखो 90% ये जो ट्रांसपिरेशन है ना,
वो होता है लीव्स के द्वारा। और लीव्स में ऐसी क्या चीज़ है, लीव्स के अंदर पोर्स पाए जाते हैं, छेद हैं छोटे छोटे, जिनको क्या कहते हैं स्टोमेटा। तो उसके थ्रू ये होता है। ये 9% जो है इसके करीब ये क्यूटिकल के द्वारा होता है। ये लैटिन वर्ड है, क्यूटिस मीन्स होता है स्किन, यानी कि जो डेड सेल्स या स्किन होती है प्लांट की उसको क्यूटिकल कहा जाता है। और 1% ये होता है लेंटी सेल्स के द्वारा। लेंटी सेल्स क्या चीज़ है, जैसे लीव्स के अंदर तो पोर्स हो गए, इसी तरह जो प्लांट का स्टेम होता है, जो तना है, उसके अंदर भी पोर्स पाए जाते हैं। तो ये जो पोर्स हैं इन स्टेम, इनको क्या कहा जाता है लेंटी सेल्स। तो ट्रांसपिरेशन इनके द्वारा होता है। लेकिन बात अपनी ये चल रही थी कि टॉल प्लांट्स में ये कैसे होगा ट्रांसपोर्ट, तो उसको ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल, यानी कि जो खिंचाव बनेगा। क्यों बनेगा, ये बनवाएंगे ना, क्योंकि वाटर लॉस होगा, जो एरियल पार्ट्स हैं उनसे क्या हुआ, ये लीव्स वगैरह ये इन्होंने वाटर का लॉस कर दिया। तो प्लांट का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ तो वाटर बचा नहीं, तो क्या करेगा, नीचे से डिमांड करेगा, यानी कि वहाँ पर एक सक्शन प्रेशर डेवलप होगा, खाली होगा तो सक्शन बनेगी, तो क्या होगा, वो फिर नीचे से उसको खींचेगा। ट्रांसपिरेशन के कारण ऐसा हुआ, इसलिए क्या कह दिया इसको, ट्रांसपिरेशन पुल। ये एक थ्योरी है, ट्रांसपिरेशन पुल। और ये ट्रांसपिरेशन पुल को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है जिसका नाम है कोहेशन टेंशन थ्योरी। कोहेशन टेंशन थ्योरी, कोहेशन क्या होता है, जब सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और अडहेशन क्या होता है, जब डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, कोहेशन टेंशन थ्योरी है ये ट्रांसपिरेशन पुल की। 1894 की ये बात है, दो साइंटिस्ट थे डिक्सन एंड जोली, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होता है, एक सक्शन पैदा होता है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। इस ट्रांसपिरेशन के कारण क्या हुआ, सक्शन यानी खाली जो जगह है जिसमें प्रेशर डेवलप हुआ, सक्शन प्रेशर इज डेवलप्ड इन टॉल प्लांट्स। टॉल प्लांट्स में ये डेवलप होता है सक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, इसी का तो नाम है एसेंट ऑफ सैप। ये जो सक्शन डेवलप होता है, सक्शन प्रेशर, इसके कारण क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स जो थे, वाटर एंड मिनरल्स आर रेज्ड अप, ये ऊपर जाते हैं प्लांट में, और इन वाटर मिनरल्स का ये जो ऊपर जाना है यही कहलाता है एसेंट ऑफ। एसेंट का मतलब ऊपर जाना, सैप का मतलब वाटर और मिनरल्स का मिक्सचर। तो इसके कारण ये जो ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होता है, इसके कारण क्या होगा, इस पुल खिंचाव के कारण क्या होता है, प्लांट में बाकी के पार्ट्स में ये वाटर एंड मिनरल्स ये चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो ये पहला पार्ट था कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो बिल्कुल की पॉइंट क्या है जो आपने याद रखना है, दो फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पहला क्या है रूट प्रेशर, दूसरा क्या है ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर ज़्यादातर कहाँ काम करता है, स्मॉल प्लांट्स में, और ट्रांसपिरेशन पुल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, टॉल प्लांट्स में। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये तो वाटर मिनरल्स हुए, फूड भी पहुँचना चाहिए, वो कैसे पहुँचेगा, जिसका नाम क्या दे रखा है, ट्रांसलोकेशन। अब उसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं फूड के ट्रांसपोर्ट की, और फूड के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेट शब्द का मतलब ही होता है मूव, मूव करना, चलना। फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ने क्या किया, फूड को तैयार किया,
और ये काम कहाँ पर हुआ? लीव्स के अंदर हुआ। लेकिन ये जो फूड तैयार हुआ लीव्स के अंदर, ये केवल लीव्स के लिए थोड़ी है, ये तो पूरे प्लांट को चाहिए। प्लांट में तो हर जगह सेल्स हैं, अकेले लीव्स इस फूड को लेकर बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसको पहुंचाना पड़ेगा। तो ये जो लीव्स में फूड तैयार हुआ, इसको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना, मूव करवाना, वही क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। कौन करता है इस काम को? फ्लोएम टिश्यू इस काम को अंजाम देता है। फ्लोएम टिश्यू में चार टाइप की सेल्स हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी हैं? सीव सेल्स या सीव ट्यूब्स, दूसरी कौन सी हैं? कंपेनियन सेल्स, तीसरी कौन सी हैं? फाइबर्स फ्लोएम के, और चौथी कौन सी थी? पेरेन्काइमा। तो यहाँ पर जो अपने काम की हैं ये दो हैं, सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। ये फूड को ट्रांसलोकेट करेंगी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसको हर जगह तक पहुंचाना, तो फूड प्रिपेयर होगा तो ऐसे प्रोसेस कौन सा रहेगा? ऑस्मोसिस इसमें आपके काम आने वाला है, क्योंकि फूड जैसे ही किसी एक सीव सेल के अंदर आया, तैयार हुआ लीव से, एक सीव सेल के अंदर आया तो कंपेनियन सेल तो उसका साथ देती हैं। तो फूड आते ही क्या होगा? वहाँ की सारी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो फिर क्या होगा? जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर आएगा, वाटर फूड में सोल्यूबल होगा, और फिर एक सेल से दूसरी सेल इस तरह से होता हुआ ये पहुँच जाएगा प्लांट्स के बाकी पार्ट तक। तो देखो इसमें ज़्यादा बातें नहीं है, कुछ ही पॉइंट्स हैं। ट्रांसलोकेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट जो फूड की होती है फ्रॉम लीव्स, जहाँ वो तैयार हुआ वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। किन के द्वारा होता है? सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। प्रोसेस कौन सा है? ऑस्मोसिस। अब देखो ये जो फूड तैयार हुआ है ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो ये भी एक पॉइंट है। इट कैन टेक प्लेस इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। अब यहाँ पर मान लिया वन मार्क टू मार्क में आपसे इसका मैकेनिज्म पूछ लें, तो अब मैं लिख नहीं रहा उन लाइनों को, आप लिख सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो एक तो ये जो प्लांट की मूवमेंट हो रही है, प्लांट में मूवमेंट हो रही है फूड की या वाटर मिनरल्स इनकी, तो ये बात तो आप भूल जाओ कि बिना एनर्जी खर्च किए ऐसा हो सकता है। भाई आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं अपनी बाइक पे, अपनी कार में, तो जब तक आप उसका ईंधन यानी कि फ्यूल नहीं खर्च कर लेंगे तब तक वो चलेगी कैसे? आप खुद जाएंगे तो आपका भी खर्च होगा, आपकी तो एनर्जी खर्च होती है। तो ये तो है ही है कि इसमें ATP के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी खर्च होगी प्लांट्स की। वो एनर्जी खर्च करके देखो इसमें क्या हुआ, प्लांट ने अपना फूड तैयार किया जिसमें क्या क्या था, जैसे शुगर ग्लूकोज तैयार हुआ था, या दूसरी चीज़ें जैसे अमीनो एसिड्स उसको चाहिए, ये जो चीज़ें हैं, तो इनका ट्रांसपोर्ट होगा किसके द्वारा? सीव सेल्स के द्वारा। ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि ये जो प्रिपेयर फूड था, शुगर थे, अमीनो एसिड्स थे, दे ट्रेवल टू सीव सेल्स, और कंपेनियन सेल्स की मदद से क्या होगा, ये आगे बढ़ते जाएंगे। सेल्स की एनर्जी खर्चों की ATP के रूप में, एंड द फूड इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट वेयर द फूड एंड अदर मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। तो ये सब कुछ हमने किसके बारे में पढ़ा? ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में कैसे होता है, ज़्यादातर चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली हैं। बोर्ड लेवल पे तो आपके लिए बहुत हैं, इनसे बाहर गुंजाइश नहीं है आपसे क्वेश्चंस रेज करें। आप अब इनकी प्रैक्टिस करें, जो भी प्रैक्टिस बुक आपकी